स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सजीर भाई गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो गाइस आज आपको बताऊंगा जो हम लोगों के पास आया है बजाज कंपनी का CT 100। और इस बाइक में जैसे कि साउंड क्वालिटी ख़राब है, इस बाइक का इंजन का साउंड आ रही है। तो मैकेनिक भाइयों, मेरा कहने का मतलब है जब भी बाइक पे इंजन का साउंड क्वालिटी अगर ख़राब हो तो हम लोग किस तरह से जाँच करें जिसमें एक्चुअली साउंड का प्रॉब्लम क्या हुआ है, हम लोगों को किस तरह से काम करना चाहिए। तो हम इस वीडियो में आपको सही तरीका बताऊंगा ताकि आप लोगों को आसान हो जाए। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। कैमरा पकड़िए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो इस बाइक में टाइमिंग चेन का प्रॉब्लम है। तो टाइमिंग चेन अगर ख़राब रहे तो हम लोग किस तरह से जाँच करें। तो मैकेनिक भाइयों, हमने नाट खोल के रखा है, ये जो हम लोगों का टाइमिंग टेंशनर होती है ये मैनुअल सिस्टम है। अगर बाइक में टाइमिंग चेन बड़ा हो जाता है तो ऑटोमेटिक टाइमिंग चेन को टाइट कर देता है, लेकिन अभी फ़िलहाल इस बाइक में टाइमिंग चेन का फोल्ड है। तो हम चेकअप करते हैं जो एक्चुअली टाइमिंग चेन बड़ा है या छोटा है। तो मैंने खोल लिया है, कोई नाट फाट लगा नहीं है, तो चलिए हम इसे भरते हैं। तो यहाँ देखिए ये ऑटोमेटिक पूरे चल जाते हैं। तो अगर इस तरह से जाके अगर लग जाता है तो बाइक में टाइमिंग चेन टाइट नहीं हो पा रहा है क्योंकि टाइमिंग चेन बड़ा हो चुकी है। अब जैसे कि हमने इस तरह से लगाया और नहीं जा रहा था, इसमें फाक है, दिख रहा है इस तरह का, अगर आप लोगों को गैप दिख रहा है जैसे कि हम ज़ोर से दबा रहा है नहीं जा रहा है, तो उस वक्त हमारा टाइमिंग चेन बिल्कुल सही रहता, तो मुझे टाइमिंग चेन चेंज करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइमिंग चेन किस तरह से फिटिंग करें और बाइक का टाइमिंग किस तरह से रखिए और रॉकर किस तरह से रखिए। तो चलिए हम मैग्नेट खोलते हैं, एक ओपर खोलते हैं और रॉकर कैप खोलते हैं, क्योंकि टाइमिंग चेन आप लोगों को फिटिंग करके दिखाऊंगा। तो गाइस मैंने टाइमिंग चेन खोल लिया है और यह है हमारा न्यू टाइमिंग चेन, इसका पार्ट नंबर है ये और 140 रुपये इसका कीमत है। तो चलो हम इसे लगाने का सही तरीका और आसान तरीका आपको बताते हैं। जो टाइमिंग चेन आप लोग बजाज CT 100 बाइक, बॉक्सर बाइक, प्लैटिना बाइक, एक ही सिस्टम होता है जो इस तरह का इंजन होता है, ठीक है। तो चलो हम टाइमिंग चेन फिटिंग करते हैं। तो टाइमिंग चेन लगाने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, जो अगर गलती से भी दुकानदार अगर गलत पार्ट नंबर दे दे तो हम लोगों को टाइमिंग चेन छोटा बड़ा हो जाता है। तो हम लोग किस तरह से जांच करें जो हमको टाइमिंग चेन परफेक्ट दिया है। तो चलो दो स्क्रू ड्राइवर भरते हैं और हम इस तरह से दिखाते हैं आपको। देखो ये जो हमारा नया टाइमिंग चेन है ये नहीं हिल रहा है और पुरानी वाली हिल रहा है, इसका मतलब ये बड़ा हो चुकी है और ये मेरा जो है बिल्कुल नया टाइमिंग चेन। तो चलो हम इसे सेटिंग करते हैं। तो हमने सब कुछ खोल लिया है और कैम से आपको यहाँ देखिए ऊपर का ये जो काटिंग है ऊपर हमने रखा है और हम जो का जो मैग्नेट का जो लॉक का सिस्टम है हम इसका मिडिल में रखा है। अगर हम इसको घुमा देंगे तो पिस्टन भी नीचे आ जाएगा और इस साइड कर देंगे तो भी पिस्टन नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं जैसे कि इस लॉक को हम अगर सीधा रखें इस हिसाब से तो ऑटोमेटिक पिस्टन टॉप में चल जाता है, तो हमको देखने का ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अभी टाइमिंग चेन हम अटैच करेंगे, ठीक है। तो टाइमिंग चेन चलो अटैच करते हैं, इसे भरता हूँ।
इस पॉकेट में यहाँ कार्डिंग है, तो चलो इस पॉकेट का कार्डिंग को हम ऊपर रखेंगे और पतला मार्तुल जो होता है स्क्रू ड्राइवर, इसे हम साइज करेंगे। अब हम कैमशाफ्ट को सीधी करेंगे। बस हमारा टाइमिंग चेन फिलहाल अभी सेटिंग हो चुकी है, फिर भी हमको टाइमिंग परफेक्ट देखना है। तो चलो प्लग खोलिए, हमको देखना है जो हमारा पिस्टन कितना ऊपर है और ये कितना हमारा टाइमिंग के साथ एडजस्ट हो रहा है। तो चलो पतला स्क्रू ड्राइवर हम प्लग के छेद में भरेंगे। तो चलो आहिस्ता करके छेद में भरो। छेद में भर लिया है। अब हम इसको थोड़ा लेफ्ट राइट घुमाएंगे, सबसे ऊपर हम देखेंगे जो हमारा पिस्टन कहाँ ऊपर आ रही है। बस परफेक्ट, ठीक है, हमारा पिस्टन टॉप में है। अब यहाँ देखिए एक घाट हमारा रॉन्ग है, अब इसको सही करेंगे। ठीक है, एक घाट रॉन्ग हो चुकी है। तो चलो टाइमिंग को चेन को निकालते हैं इस पॉकेट को, और एक घाट हम इसे इस तरह से, रुकिए, बस हमने सही कर दिया है। ठीक है, अब चलो भरिए स्क्रू ड्राइवर, पतला स्क्रू ड्राइवर भरिए। अब हम चेकअप करेंगे जो हमारा पिस्टन टॉप का साथ उसी जगह पर आ रही है कि नहीं। एकदम 100% परफेक्ट आ रही है, देखो एकदम ये मार्किंग और ये मार्किंग सही है, और मेरा पिस्टन भी टॉप में हो चुकी है। तो मेरा बाइक का जो टाइमिंग है बिल्कुल बराबर, टाइमिंग सेटिंग हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक घाट अगर इधर हो जाए तो बाइक में ताकत नहीं मिलेगा, जैसे कि ज़्यादा शक्ति नहीं मिलेगा। और इस साइड में अगर एक घाट कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये घाट अगर हम नीचे कर दें तो बाइक में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग इस मार्किंग का साथ मिलाने का कोशिश करो, अगर नहीं मिल रहा है, अगर थोड़ा इस साइड आ जा रहा है तो बिल्कुल सही है, चल जाएगा। लेकिन आप लोग को लेफ्ट साइड में नहीं रखना है, राइट साइड में थोड़ा हो जाने से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलो लगाते हैं। और काफ़ी सारे जो मैकेनिक है, ये जो कटिंग है इसको इस तरह से लगाते हैं, तो इस तरह से मत लगाइए, इस तरह से लगाइए, क्योंकि कैमशाफ्ट का हम लोगों का एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो चलो हम इसे टाइट अभी नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे जो हम लोगों का टाइमिंग एडजस्टर होता है, टेंशनर। अब टेंशनर को किस तरह से लगाए, अभी टेंशनर आप देखिए कितना बड़ा हो गया, अब नहीं जा रहा है, देखो, क्योंकि न्यू टाइमिंग इंजन है, अब यह नहीं जा रहा है। तो आपको फिलहाल स्क्रू ड्राइवर देखे इसको घुमा के और थोड़ा टाइट कर दीजिए, टाइट हो जाएगा, टाइट हो गया है, देखो। अब हम इसको आसानी से यहाँ सेटिंग करेंगे। ठीक है, तो चलो लगाते हैं। तो दोनों नट को हम इसे टाइट कर देंगे। तो चलो चलो नट को फाइनल टाइट कर देते हैं, बस टाइट हो चुकी है। अब टाइमिंग चेन को हम इसे छोड़ देंगे, देखो अभी टाइट नहीं है, देखो बस टाइमिंग चेन हमारा हमने छोड़ दिया है। अब इस नट को अभी टाइट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको काम करना है यहाँ और भी कुछ। तो मैकेनिक दोस्तों, ये जो छेद दिखाई दे रही है, अगर नट लगाते लगाते अगर हाथ से गिर जाएगा तो इंजन के अंदर चल जाएगा, तो हम लोगों को यहाँ कपड़ा दे देना चाहिए, क्योंकि नीचे अगर चल जाएगा तो भी आप लोगों को इंजन खोलना पड़ेगा। तो चलो हम इसे लगा देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग, देखो हाथ से गिर गया, तो गलती आप लोगों से भी हो सकता है, वो गलती मत कीजिए, कपड़ा दे दीजिए छेद के अंदर, अगर नाट चल जाएगा तो इंजन खोलना पड़ेगा। तो चलो इस नाट को हम अटैच करते हैं, और नाट मेरा लग चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ठीक है। अब चलो हम लगाते हैं कॉइल प्लेट को, तो कॉइल प्लेट को आप लोग आहिस्ता आहिस्ता करके लगाइए। तो चलो आहिस्ता आहिस्ता करके हम अटैच करते हैं, पैकिंग मेरा कर चुकी है, न्यू डालना पड़ेगा, और आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसे भर देंगे। ये चल चुकी है, अब जो हम लोगों का एलेंगी नाट है, एलेंगी नाट को अटैच करेंगे। तो चलो मैग्नेट लगाऊंगा, तो मैग्नेट लगाने से पहले यहाँ आप लोग गौर कीजिए, अगर एक भी नाट अटैच हो जाए और मैग्नेट अगर हम लोग लगा दें
तो जब भी हम लोग कीक मारेंगे पूरा कॉइल कट जाएगा। तो आप लोग गौर कीजिए, अगर नॉट फंसा हुआ है कुछ भी है तो निकाल डालिए और ये लॉक गौर कीजिए। और इसमें हम लोगों का एक कटिंग होता है, तो दोनों कटिंग को और एक साथ संपर्क करने के बाद ही आप लोग इस तरह से फिटिंग कर दीजिए, ठीक है। अभी नहीं हुआ है, फिर हमको शेडिंग करना पड़ेगा। बस अभी जा चुकी है, तो अभी ज़रूरत है बेल्ट पुलर की। चलो वॉशर लगाते हैं और इस नाट को आप इस तरह से टाइट दीजिए कि ये नाट ढीला ना रखे। अगर ये नाट ढीला रह जाएगा तो जब भी बाइक हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगर बैक मारने का कोशिश करेगा इंजन, तो लॉक कट जाएगा और बाइक स्टार्ट नहीं होगा। तो इस नाट को आप लोगों को अच्छी तरह से टाइट करना है ताकि लॉक ना कटे। चलो टाइट कर देता हूँ जूस से, जितना भी हम लोग हो सके इस नाट को अच्छी तरह से टाइट करेंगे। बस ये फाइनल हमारा टाइट हो चुकी है। अब चलो इस नाट को हम लोग अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। बेल्ट पुलर अभी लगा हुआ है। बस पूरा टाइट हो चुकी है और मैग्नेट का नाट भी टाइट हो चुकी है। तो चलो अब हम इसे खोल लेते हैं। तो फिलहाल अभी इंजन सेटिंग हो चुकी है, अब हम रॉकर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो गाइस अभी हम रॉकर एडजस्ट करेंगे और हमारा टाइमिंग परफेक्ट। अभी जो टॉप में है पिस्टन और कैमशाफ्ट भी न्यूट्रल पोजीशन में है। तो हम लोग जो रॉकर है, रॉकर को किस हिसाब से रखें, तो मेरे पास फिलहाल गेज जो है हम लोग 0.8 mm रखेंगे एडजस्ट और इंटेक को, ठीक है। तो 0.8 रखने से क्या होता है, बाइक का जो क्लियरिंग है वो एकदम 100% सही है। तो चलो 0.8 रखते हैं। तो चलो हम गिला के देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा टाइट लग रहा है, इसमें बाइक स्टार्ट गिर जाने लगता है। तो चलो हम रॉकर को ढीला करते हैं और 0.8 पे रखेंगे, क्योंकि इसमें माइलेज अच्छा आएगा और कंप्रेसर भी सही आएगा। बस टाइट हो चुके हैं। तो चलो इसे निकालता हूं और हम देखता हूं। एकदम हम लोगों का थोड़ा गैप रखा और इसे भी हम लोग ढीला कर 0.8 ही डालेंगे दोनों को। बस हमने रख दिया है और बस हो चुकी है और दोनों क्लियरिंग हम लोगों को रखा ढीला है। अब इसमें कंप्रेसर भी सही आएगा, कंप्रेसर चेकअप कर लेते हैं। एकदम कंप्रेसर सही है, ठीक है। तो चलो कोभर लगाते हैं पैकिंग डाल के और ये सब लगा के आप लोगों को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो सो गाइस अभी बाइक को स्टार्ट करेंगे। तो चलो एक ही किक में बाइक स्टार्ट हो जाएगा। देखो स्टार्ट हो गया और बाइक का इंजन का साउंड क्वालिटी देखो, एकदम बढ़िया क्वालिटी आ रही है और एकदम 100% साउंड क्वालिटी बेस्ट है, क्योंकि टाइमिंग चेन लगाने के बाद बाइक में साउंड क्वालिटी परफेक्ट आती है। थोड़ा साइलेंसर खराब है, इसका कारण थोड़ा साउंड खराब आ रही है, बट इंजन का साउंड एकदम परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, ठीक है। तो मैकेनिक दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आया हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ, आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर बाइक गुरु के साथ।